उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवार के मुखिया द्वारा 3 लोगों की जहर देकर हत्या और बाद में पंखे से लटककर आत्महत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। हम आपको बता दें कि गुडम्बा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे जिनमें एक 6 साल का बेटा और 8 साल की बेटी थी, वो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। शुक्रवार की देर रात उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को जहर खिला दिया। अपनी पत्नी और बच्चों को जहर खिलाने के बाद उस व्यक्ति ने काला कपड़ा अपने चेहरे पर डालकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि देर रात उसका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया। पिंटू यादव नाम का, पिंटू गुप्ता नाम का व्यक्ति है। 32 वर्ष लगभग उम्र होगी और इसमें रहने वाला वाराणसी का है, जिसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को, एक 6 साल और एक 8 साल के बच्चे को मारकर और खुद हैंग कर दिया है और अपने मुंह पर काला कपड़ा डालकर और पंखे को खोलने के उपरांत उसी से अपनी को हैंग किया है। सुबह जब ऊपर रहने वाले व्यक्ति ने देखा है तो उसने फिर इन्फॉर्म किया इनके फादर को और पुलिस को। तत्काल यहां पर डीसीपी इस एरिया के, डीसीपी क्राइम, बाकी सभी अधिकारी और फील्ड यूनिट बहुत तेज आई थी और उनके सामने फील्ड यूनिट के साथ ही खोला गया। बाकी जांच पड़ताल चल रही है कि अध्यक्षा जरूरी होगा कि सर बच्चों को किस तरह से मारा गया है। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है बच्चों को सभी को मुंह दबाकर मारने का दिख रहा है, बट देन वी विल हैव टू लुक इन टू अदर फैक्ट्स। प्राइमर फेसाई ऐसे ही दिख रहा है, तीनों एक लाइन से लेटे हुए मिले हैं और तीनों को ही मुंह दबाकर ही मारा गया। सर क्या पर जो दिख नहीं अभी कर सकते, 2-3 चीजें मिली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही हैं। अभी पूरी फोरेंसिक यूनिट ऊपर काम ही कर रही है जो मैं देखता था। वी विल गेट सब्सटेंशियली कि क्यों इतनी दुखद घटना इसने कारित की, बट जो प्रमा फसाई दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मुंह दाब कर इसे मारा और फिर टाइम लिया है, बिकॉज उसके बाद पंखा उतारा है और पंखा खोलने के बाद फिर इसने अपने को फेंक दिया।